से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेनों के लिए कल से शुरू होगी बुकिंग। आईआरसीटीसी वेबसाइट पर कल शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी बुकिंग। देश में 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। दिल्ली से पटना, मुंबई, जम्मू, अहमदाबाद, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, चेन्नई, त्रिवेंद्रमपुरम, सिकंदराबाद, मडगांव के लिए ये ट्रेनें चलेंगी। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अगर बात करें तो एक बड़ी खबर है रेलवे के लिए, लेकिन सबसे बड़ा काम होगा सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना। ये काफी चैलेंजिंग काम होगा। इस समय देश की सबसे बड़ी खबर है, जो पिछले लंबे समय से कोरोना के चलते ट्रेन सेवा बंद थी, रेल सेवा बंद थी, उसको शुरू करने के लिए कल शाम को 4 बजे से जो है रेल की बुकिंग सेवा शुरू होगी और 12 मई से देश में ट्रेनें फिर से चलाई जाएगी। तो ये एक तरह से देश की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इस ट्रेन सेवा शुरू होने से जो लोग दूर दराज अटके हुए हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। शुरुआत में हालांकि 15 ट्रेनें ही चलाई जाएगी, जो दिल्ली से पटना, मुंबई, जम्मू, अहमदाबाद के लिए शुरू होगी। डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी राहत की खबर इस समय है, क्योंकि जो रेल सेवा बंद कर दी गई थी कोरोना संक्रमण के चलते, उसके बीच हालांकि जो श्रमिकों को लाने ले जाने का काम शुरू हुआ और उनके लिए ट्रेनें चलाई गई, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित थी। अब ये आम लोगों के लिए, जो भी आना जाना चाहेगा, उसके लिए जो सोमवार शाम को 4 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से हिंदुस्तान में एक तरह से रेल सेवा शुरू होने की शुरुआत हो जाएगी। और जो लोग आना चाहते हैं, अपने शहर में जाना चाहते हैं, जो सामान्य लोग भी हैं, वो भी आ जा सकेंगे। हालांकि प्रशासन और रेलवे के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना। लेकिन लगता है जो नियम कायदे तय किए गए हैं प्रवासियों को लाने के लिए, वही इस रेल सेवा को शुरू करने में काम में लिए जाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। लोगों के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन करना, तमाम चीजें अनिवार्य होगी। लेकिन ये देश की जनता के लिए अपन एक इस समय कह सकते हैं सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर है कि देश में एक बार फिर से रेल सेवा तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तुम्हारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमें बता रहे थे रेलवे से जुड़ी बड़ी जो खबर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बुकिंग है वो कल से शुरू हो जाएगी।